दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पहले के समय में जब घड़ी नहीं थी तब समय कैसे देखा जाता था। आज हम समय का अंदाज लगाने के लिए घड़ी का सहारा लेते हैं। आजकल लोग टाइम देखने के लिए मोबाइल का सहारा लेते हैं। प्राचीन काल में लोग धूप के जरिए समय का पता लगाते थे। लोग टाइम का पता लगाने के लिए धूप घड़ी का इस्तेमाल करते थे। पहले लोग सूर्य की अलग अलग अवस्थाएं देखकर भी सुबह, दोपहर और शाम का अनुमान लगाते थे। यही नहीं, धूप के कारण पड़ने वाली किसी पेड़ या कोई स्थिर वस्तु की छाया से भी समय का अंदाजा लगाया जाता था। धूप घड़ियों का प्रचलन अत्यंत प्राचीन काल से होता आ रहा है, जिनमें आकाश में सूर्य के भ्रमण के कारण किसी पत्थर या लोहे के स्थिर टुकड़े की परछाई की गति में होने वाला परिवर्तन के द्वारा घड़ी या प्रहर का अनुमान किया जाता है। सूरज की रोशनी के आधार पर धूप घड़ी के कांटे की परछाई जहां नजर आती थी वही समय माना जाता था। रात के समय का ज्ञान नक्षत्रों से किया जाता था। जल घड़ी का आविष्कार चीन देशवासियों ने लगभग 3000 साल पहले किया था। इसके लिए एक पात्र में पानी भर दिया जाता था और उसकी तली में छेद कर दिया जाता था। तो दोस्तों क्या आप इसके बारे में जानते थे, हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।